नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। धर्म का नाम और सियासत का काम। करौली में हिंसा हो या फिर अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ने का प्रकरण, चुनावी माहौल है लिहाजा पॉलिटिक्स भी फुल हो रही है और मुख्यमंत्री गहलोत भी बीजेपी पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन सब विवादों की जड़ बीजेपी को बताया और कहा कि जाति और धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाया और भड़काया जा रहा है। कोई नहीं जानता कि यह देश किस ओर जा रहा है, स्थिति खतरनाक है। तो बीजेपी भी कांग्रेस को तुष्टीकरण के नाम पर घेर रही है। बात बहादुर शाह जफर तक पहुंच गई है तो राजनीति की हवा भी धर्म के रास्ते पर चल पड़ी है और वोट के चक्कर में अलगाव की राह पर है। आज बात इस खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, आप नेता अर्जित गोयल हैं और साथ ही सीनेटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामलाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। लगातार ताबड़तोड़ हमले मुख्यमंत्री बीजेपी पर भी कर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है। अब सवाल तो ये उठता है कि जिस तरह की घटना हुई है, जो प्रकरण हुए हैं पिछले एक महीने में देखा जाए तो, क्योंकि 2 मई है, 2 अप्रैल को ही करौली हिंसा हुई थी और उसके बाद से लगातार विराम नहीं मिला है, सिर्फ आरोप सवाल एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। क्या वाकई में चुनाव को लेकर ही माहौल अपने अपनी तरह से बनाने की कोशिश है? देखिए श्वेता जी, मैं एक एक बात का तर्कसंगत उत्तर देना चाहूंगा। करौली की घटना के अंदर पुलिस ने जो FIR दर्ज की, उस FIR के अंदर पुलिस ने कहा कि शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस के अंदर सुनियोजित पहले से ही प्लानिंग के तहत घात लगाकर बैठे हुए हमलावरों ने एक साथ हमला किया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, सामान को लूटा गया। ये पुलिस की FIR है, ये भारतीय जनता पार्टी की FIR नहीं है। फिर जब भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन वहां गया तो वहां के व्यापारियों ने ये कहा कि साहब हमारा माल पहले लूटा गया, फिर उसके बाद में हमारी दुकानें टूट गई। पुलिस को हम FIR दर्ज करने के लिए कह रहे हैं, पुलिस हमारी FIR दर्ज नहीं कर रही है और आज भी हमारा लूटा हुआ माल कहां पड़ा हुआ है, हम पुलिस को बताने के लिए तैयार है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। नंबर दो, उन लोगों ने कहा कि साहब जो घटना का मुख्य आरोपी है मतलूब, वो मतलूब CLG की बैठकों के अंदर उपलब्ध है, झगड़ा तो मुख्य आरोप है, झगड़ा कराने वाला वो है। अब आप मुझे एक चीज कर दो, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से इन्वॉल्व हो गई? एक शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा है, पुलिस की परमिशन से निकल रहा है, पुलिस के लोग वहां साथ है। हम आज भी राजस्थान सरकार को ये कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा की गई रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करे और उस रिकॉर्डिंग के अंदर जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से दोषी होगी? मुख्यमंत्री जी सिर्फ वोटबैंक की राजनीति के आधार के ऊपर और सिर्फ अपनी सरकार का ध्यान दूसरे विषयों की तरफ डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चर्चा को हवा देने का काम करते हैं, वो अनुचित है, गलत है। लेकिन बीजेपी पर ये सवाल क्यों उठता है? बीजेपी के लिए बार बार ये क्यों कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर ही बीजेपी हमेशा से वोट सेकते आई है, जीत दर्ज करते आई है और एक बार फिर से वही कोशिशें हैं? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, ये बहुत बड़ा आरोप है अगर बीजेपी पर लगाया जा रहा है तो। श्वेता जी, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो उसको सहन करते रहे, हम चुपचाप बैठे रहे, अन्याय को सहन करें। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ क्या घटना घटी थी वो सहन करते रहे, वो पलायन करके शरणार्थी बनकर जीवन यापन करते रहे। तो आप इस यूपी के अंदर भी यही कल्पना करते हो क्या कि इससे बहुसंख्यक समाज के ऊपर अपमान होता रहे और कोई बोलने वाला नहीं रहे? हम तो ये कहते हैं जो भी दोषी है पुलिस अपनी रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करे, जो भी दोषी है हिंदू हो, मुसलमान हो, अन्य हो, उसके खिलाफ कार्रवाई तो करे सरकार, लेकिन सरकार तो सिर्फ बैलेंस कार्रवाई करती है। नहीं नहीं, FIR इतने लोगों के नाम पे, इतने लोगों के लिए पुलिस की गिरफ्तारी जरूरी है, इतने लोगों को गिरफ्तार करें चाहे वो निर्दोष हो, फिर भी गिरफ्तारी दिखाने की कोशिश करेंगे, ये अनुचित है। ठीक है रामलाल जी, आप ये कह रहे हैं कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है इसका ध्यान में न रखकर एक अलग समाज को ध्यान में रखा जाता है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से भी है, कांग्रेस के लिए भी, सरकार को भी घेरने की कोशिश है कि अगर कभी ऐसी चीजें आती हो, जिस तरह की घटनाएं होती है, तो क्यों निष्पक्ष जांच नहीं होती है, क्यों एक अलग वर्ग को बचाया जाता है, क्यों दोषी सामने होते हुए भी उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है और बार बार ये आरोप कांग्रेस पर उठाए जाते हैं और बीजेपी इसलिए बार बार ये बातें कह रही है, प्रदर्शन कर रही है अलग अलग तरीके से। दिग्गज यहां राजस्थान में आते हैं और जाते हैं उस जगह पे, फिर वो राजगढ़ हो या फिर करौली, क्या जवाब देंगे रामलाल जी की इस बात का? देखिए श्वेता जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, भी रामलाल जी ने कहा FIR का हवाला दिया, FIR तो वहाँ पे 12 दर्ज हुई है, 12 FIR है। मुख्य आरोपी वहाँ पे राजा राम गुर्जर है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई की नहीं की।
भारतीय जनता पार्टी के नेता पर आगजनी का, दुकानें जलाने का, लूटपाट का ये आरोप है, वह नहीं हुआ उसको भारतीय, जब ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, घटना घटित होने के बाद में सभी समाजों का यह प्रयत्न होता है, सभी जो जिम्मेदार लोग हैं उनका यह प्रयत्न होता है कि आगे कोई बड़ी घटना ना हो, इस तरह का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्या प्रयास होते हैं कि जो वहाँ पे उद्दंडता हुई, जो वहाँ पे उपद्रव हुआ, उस उपद्रव को दंगे में बदल दिया जाए। इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, किस लिए आते हैं वहाँ पे, क्या समझाइश करने आए थे, क्या राजा राम गुजर को सरेंडर कराने आए थे, नहीं आए थे, बिल्कुल वो वहाँ पे जा करके कर्फ्यू का उल्लंघन करके और भड़काना चाहते थे, ये इनके काम थे, ये जनता देख रही है, हमने इसको रोका। और आप एक चीज़ और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जब चुनाव आने लगते हैं तभी इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, क्यों भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस शासन पर आरोप लगाती है कि कानून व्यवस्था हम दुरुस्त करने के लिए अगर धारा 144 लगाएं और अगर ये कहें कि किसी को भी जुलूस निकालना है तो आप जुलूस निकालने के लिए परमिशन दीजिए। सुनिए, करौली मामला नहीं, राजगढ़ भी है, राजगढ़ में मैं इसी पर आ रहा हूँ ना, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल अब मैं आपको इसी का जवाब दे रहा हूँ ना। तो एक मुद्दा ये बनाते हैं, लेकिन लखनऊ में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार यही आदेश निकाले अशोक गहलोत जी की सरकार को फॉलो करते हुए, कानून व्यवस्था बनी रहे, तब वो यूपी पर नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे भाई परमिशन लेकर के आपको जुलूस निकालने में क्या दिक्कत है, क्योंकि आप कानून की पालना नहीं करना चाहते। अब आप राजगढ़ की बात करिए, राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड राजगढ़ नगर पालिका में उसके चेयरमैन के प्रस्ताव पर और नगर पालिका द्वारा ही वहां पर सारी कार्रवाई की, मंदिर ढा दिया नगर पालिका में, और आपको वहां पर ढाने के बाद वो सारे पार्षद और पूरा जो बोर्ड है वहां से गायब हो गया। 5 दिन बाद आपको पता पड़ा, क्योंकि इससे पहले आपको इसलिए पता नहीं पड़ा कि आपके ही नेता जो इस कृत्य के लिए जिम्मेदार थे वो कस्बा छोड़ करके भाग चुके थे जनता के डर से, और जब भाग गए उसके बाद आप जाकर के वहाँ पे जो है दूसरे कस्बों में, दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे जिलों में जो है दंगे भड़काने के लिए या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आप वहाँ पे कार्य करते हैं। आप, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए जो जिम्मेदार है नगर पालिका के चेयरमैन को हमने यहाँ सस्पेंड किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने ना तो अपने एक किसी पार्षद को सस्पेंड किया, ना निकाला, ना उस पर कोई कार्रवाई की, ना चेयरमैन पर कार्रवाई की, उल्टा। तो जब ये इस तरह से अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाना बिगाड़ना चाहते हैं तो उसको बिगाड़ने नहीं देगी राजस्थान सरकार। ठीक है रामलाल जी। श्वेता जी, अभी मेरे मित्र सरोजी ने कहा कि राजाराम मुख्य आरोपी है, उस जुलूस के अंदर 700 लोग थे, आप 700 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। आपकी पुलिस की रिकॉर्डिंग है, अगर राजाराम गुजर एक पत्थर मारने का काम कर रहा है, अगर वो लठ मारने का काम कर रहा है, यदि आग लगाने का काम कर रहा है, निश्चित रूप से मुलजिम बनाओ, जेल की सलाखों के पीछे भेजो। लेकिन अगर राजाराम गुजर उस जुलूस के अंदर साथ है, अगर पीड़ित पक्ष को वो हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम कर रहा है, घटना स्थल के ऊपर लोगों को उठाकर ले जाने का काम कर रहा है, तो ये मानवता है, ये आरोपी नहीं है। रही बात आप उसके पश्चात दुकानों में आग लगा रहा है तो उसको आरोपी बनाया पुलिस ने, हमने नहीं बनाया, पुलिस ने जांच करके आरोपी बनाया, वहां पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वहां पे जो जांच कर रही है। अगर आपको उस पर भरोसा, आपको केवल अपनी पार्टी के क्रियाकलापों पर भरोसा है, क्योंकि आपके कार्य ही सांप्रदायिकता फैलाने के लिए है। वापस लौटेंगे आपके पास सुधांशु जी। मुख्यमंत्री तो साफ कहते हैं कि देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। प्रदेश की बात करें तो उनका कहना सीधा है कि अभी तो एक ही घटना हुई, अभी आने वाले वक्त पे और भी घटनाएं होंगी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ये वाकई में चुनाव के लिहाज से देखा जाए इसे, या एक दूसरे को रोकने की कोशिश है, या फिर अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि ये एक महीना राजस्थान बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा। देखिए श्रोता, आमतौर पर राजस्थान को जो है देश के अंदर सबसे शांत प्रदेशों में से एक माना जाता है, एक उत्तराखंड, एक राजस्थान। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक विवाद जिस तरह से इस राजस्थान के अंदर तेजी से बढ़े हैं, उससे तो सीधा सीधा यही लगता है कि राजस्थान प्रदेश जो है वो पहले से ही जो है थोड़ा पहले से चुनावी मूड में आ गया है। हालांकि लगभग डेढ़ साल बाद इस प्रदेश के अंदर चुनाव होने, लेकिन जो बयानबाजी आ रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, अब आप देखिए कि प्रदेश का इशू है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का ले रहा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन एक विश्लेषक के नाते और एक पत्रकार के नाते मेरी नजर ये कहती है कि मान लीजिए करौली के अंदर एक दंगा हुआ,
तो राज्य सरकार का दायित्व था कि वो उसको कंट्रोल करती और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर उसको कंट्रोल किया। अब सवाल ये उठता है कि उस दंगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बाहरी नेता आके वहां पर अगर जो है वो बयानबाजी करें, वहां पर जो है कर्फ्यू का उल्लंघन करने की कोशिश करें और उस जगह पर घटना स्थल पर जाने की जिद करें, तो ये थोड़ा सा जो है वो समस्या परे नजर आता है। इसी तरह से आप राजगढ़ को देखिए कि राजगढ़ में जो घटना हुई उसके चार दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर चेतना आई, जबकि वो घटना चार दिन पहले हो चुकी थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व था या स्थानीय कार्यकर्ता था राजगढ़ का, वो चार दिन क्या चैन की नींद सोया हुआ था? क्या वो बंसी बजा के सोया हुआ था? चार दिन बाद भारतीय जनता पार्टी को क्यों याद आया? ये सवाल खड़े होते हैं। मैं किसी पार्टी के ना विपक्ष में बोल रहा हूँ ना पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों का जवाब जनता भी जरूर मांगना चाहती है श्वेता, और वो जानना भी चाहती है कि अगर मंदिर गिरा राजगढ़ में तो तुरंत प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। चार दिन बाद प्रतिक्रिया क्यों हुई भाई? क्या चार दिन तक वहां के जो 34% थे जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने क्या जयपुर से राजगढ़ की दूरी कितनी है? तो क्या कोई संदेश भेजने में जो दिक्कत आ गई, या कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर ही गैप हो गया, या कोई मोबाइल की लाइनें ठप हो गई कि दूसरे को संचार माध्यम ठप हो गए कि चार दिन बाद जो है संदेश आता है और चार दिन बाद जो है वहां पर, तो कहीं ना कहीं कोई, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव समय से पहले जो प्रदेश है वो समय से पहले चुनावी मूड में आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को चूंकि चुनाव में जाना है, जिस तरह से अशोक गहलोत ने कल आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने देना चाहती, हमें जनता के लाभ की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करने देना चाहती, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बात से आहत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बराबर का जो है वो अपना बचाव कर रही है। उनका यह कहना है कि अशोक गहलोत सरकार तुष्टीकरण का काम कर रही है, जबकि अशोक गहलोत सरकार कहती है। रामलाल जी, इसी पर एक जवाब चाहेंगे आपसे। अभी जो सुधांशु जी ने कहा कि अब वाकई में प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि तीन साल साढ़े तीन साल कोई काम सरकार ने नहीं किया, सरकार का फेलियर है, जनता देख रही है। दूसरी तरफ अगर ये बातें सामने आती कि काम करने से सरकार को रोकना है, तो क्या ये योजना, ये काम है, ये बीजेपी के लिए अड़ंगा बन रही है? अगर अगर इस बात को सच माना जाए तो देखिए श्वेता जी, सुधांशु जी उस बात का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो राजगढ़ के अंदर क्या हुआ, राजगढ़ के अंदर नगर पालिका का बोर्ड है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। नगर पालिका की बोर्ड की बैठक के अंदर चेयरमैन भी है, वह एसडीएम भी है और वहां स्थानीय विधायक गोरेलाल जी मीणा भी है, जिस बैठक के अंदर ये प्रस्ताव लिया गया था कि अधूरे गोरखपथ को पूरा करने के लिए अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, कहीं पर भी मंदिर को हटाने का प्रस्ताव नहीं है। एक दूसरा फिर जोरीलाल जी, सवाल इस बात का नहीं है रामलाल जी, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि चार दिन बाद चेतना क्यों आई? सवाल सिर्फ इतना सा है कि चार दिन बाद आप बीजेपी की प्रतिक्रिया चार दिन बाद क्यों? बस मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ सुधांशु जी, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ जी। एक जोरीलाल जी मीणा ये कह रहे हैं कि 34 के 34 पार्षदों को मैं 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, आप 34 के 34 पार्षद मेरे पास आ जाओ, मैं कार्रवाई को रुकवा दूंगा। तो कार्रवाई किसके स्तर पे हो रही है? सरकार के स्तर के ऊपर। अब सुधांशु जी कह रहे हैं कि 16 तारीख की घटना, आप 21 तारीख को क्यों चेते हैं? 16 तारीख की घटना हुई थी, उस समय भी स्थानीय वासिंदों ने, जनप्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज भी कराया था, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन भी कॉपी आप चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। रही बात यह है कि आप गौरवपथ के पूर्ण करने के नाम पर आप मंदिर हटाने का काम करो, यह अनुचित है। अब रही बात यह है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे को काम नहीं करने दे रहे, 4 बजट मुख्यमंत्री जी पेश कर चुके, चारों बजटों के अंदर पहले बजट भी उठा के देख लो, मेरा दावा है श्वेता जी, पहले बजट के 40% वादे भी अब तक पूरे नहीं हुए। वो ये कहते हैं कि बजट जो पेश किया जाता है वो 5 साल का होता है, तो पहला बजट के 40% वादे पूरे नहीं हुए। गांव के अंदर गौरवपथ बनाने का आपका वादा था वो पूरा नहीं हुआ, पंचायत समिति स्तर पर नंदीसराय बनाने का वादा ठीक है, यानी बीजेपी को कोई, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार के कामों से, योजनाओं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? आपको नहीं लगता कि आगामी चुनाव में ये सब कुछ भी सामने आ सकता है या इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? आप ऐसा नहीं मानते श्वेता जी? लोग लुभावनी घोषणाएं करें, सिर्फ जनता को वोट लेने के लिए घोषणाएं करें, जनता के वोट प्राप्त करने के लिए कहें कि साहब हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, फिर वादे को पूरा नहीं करें। सरकार ये कहे कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे, 4 साल बीत जाने के बाद भी उनको रिप्लेस करने का काम नहीं करें,
सरकार ये कहे कि बेरोजगारी भत्ता देने का काम, ठीक है रामलाल जी, अर्चित भी हमारे साथ, अर्चित गोयल आप नेता भी हमारे साथ है। अर्चित आपने भी सुना, रामलाल जी को भी सुना आपने, स्वर्णिम जी को भी सुना, बीजेपी कांग्रेस क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रांग पार्टी है, सरकार 5-5 साल बनाती है राजस्थान में, और अब इस बार आम आदमी पार्टी में स्टैंड करे जिस तरह से आप लोग दावे कर रहे हैं कि एक मजबूती के साथ आ रहे हैं, अब इन मुद्दों के बीच में आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि अगर हम दंगे और हिंसा की बात करते हैं तो दिल्ली में भी ये देखने को मिला है अभी हाल ही में, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या वाकई में ये मुद्दे होते हैं या मुद्दे ये निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं इस तरह की घटनाएं ताकि फायदा किसी को और किसी को नुकसान? देखिए, मंदिर और मस्जिद में पड़ी कुरान और गीता कभी नहीं लड़ते, वो ही वैसे ही दंगा करने वाले ने कभी नहीं पड़ते। ये स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस की। आज बीजेपी वाले बड़ी बड़ी दुआइयां दे रहे हैं कि साहब हम भगवान को मानते हैं और भगवान के लिए हम ये कर देंगे, हम यात्रा निकालेंगे, दंगे भड़काएंगे, ऐसे काम करेंगे। राजगढ़ में इन्होंने मंदिर क्यों तोड़ा, और इन्होंने जब मंदिर तोड़ा इनके बोर्ड ने, तो क्या कांग्रेस सरकार सो रही थी उस समय पे कि उनको ये ध्यान नहीं था कि ये तोड़ने जा रहे हैं, इनके SDM नहीं थे? और वैसे ही करौली के अंदर मुख्यमंत्री जी हाथ झटका रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है, वो ये बोलते हैं कि हाँ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अरे आप इन दंगों को रोको ना, इन चीज़ों को आप रोको, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? अगर आप नहीं रोक पा रहे तो आप विफल हैं। अब जबरदस्ती के अभी हम इन बातों को लेके जा रहे हैं बजट के ऊपर, जाए रामलाल जी इन बातों को बजट पे लेके जा रहे हैं, बजट पे ले जाने की बात ही नहीं। अभी तो बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि आप लोगों को भिड़का रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को झगड़ा कराकर आप वोट लेना चाह रहे हैं। केवल इसी बात के ऊपर कांग्रेस और भाजपा हमेशा से जीतती रही है, कभी बीजेपी जीतती है कभी कांग्रेस जीतती है, दोनों ही लगातार इन्हीं वाक्यों पर जीतती रही है और हमेशा राजनीति करती रही है। ठीक है, तो क्या आम आदमी पार्टी इससे इतर अलग कुछ करेगी? आम आदमी पार्टी हमेशा की तरह रोजगार की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी, चिकित्सा की बात करेगी, जैसे कि बीजेपी, जैसे कि आप लोग सभी देख रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी को धर्म की राजनीति से, जात पात की राजनीति से मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी चिकित्सा, स्वास्थ्य, आपके स्कूल हो गए छोटे बच्चों के, रोजगार हो गए अब युवा के लिए, इन बातों पर, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, जात पात का कोई विषय ही नहीं है। ठीक है, स्वर्णिम जी, इन सब चीजों पे विराम कब लगेगा? क्योंकि अभी देखिए 1.5 साल का वक्त करीब है चुनाव के लिए, भी सरकार को भी बहुत काम कर रहा है, कई योजनाएं जिन्हें पूरा कर रहा है, फोकस इस बात को लेकर है, विपक्ष भी सड़कों पर उतर रहा है मुद्दों को लेकर, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की भी कोशिश एक है कि जो आप कर रहे हैं वो कई चीजें गलत है। अब ऐसे में इन चीजों पर विराम लगेगा क्या? क्योंकि जनता तो कांग्रेस को भी देख रही है, बीजेपी को भी देख रही है, प्रदेश सरकार को भी देख रही है, प्रशासन को भी देख रही है, क्या काम हो रहा है? देखिए श्वेता जी, हमारी सरकार ने जो कार्य किया, हमने चिकित्सा के क्षेत्र में किया, शिक्षा के क्षेत्र में किया, चाहे महात्मा गांधी स्कूल हो, चाहे कॉलेज शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो, चिकित्सा में आपने देखा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो है लाभान्वित हो रही है जनता। इसके अलावा आप बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आप पानी बिजली इनको लेकर के हमने कार्य किए, ये सब कार्य जब हुए, OPS की स्कीम आई, यहाँ पे लोगों के सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, इससे को लेकर के बीजेपी भयभीत। आप बताइए कोई एक आंदोलन बीजेपी का, कोई एक धरना, एक प्रदर्शन, या कोई बाहर से जो इनका सांसद आता है इन मुद्दों को लेकर के कभी हमें सुझाव देने के लिए, हमारा विरोध करने तो सड़क पे नहीं आया। वो आए किस लिए? वो आए केवल इसलिए कि वहाँ पे अगर करौली में उपद्रव हुआ तो वो दंगा क्यों नहीं भड़काया जाए, दंगा भड़काना चाहिए। और हुए कहाँ दंगे? रामनवमी पे पूरे देश में हर जिला स्तर पे सारे जिलों में यात्रा निकली, बिल्कुल आराम से निकली, शांतिपूर्वक निकली, कोई यहाँ पे दंगा नहीं हुआ। दंगे कहाँ हुए? दंगे हुए भाजपा शासित प्रदेशों में, और उन दंगों के को जो आप देखेंगे कहाँ, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो वहाँ देखें ना। हमने यहाँ पे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, दंगे ना हो इसकी व्यवस्था की, वही कदम योगी आदित्यनाथ ने भी उठाए ये देख करके कि राजस्थान सरकार क्या काम कर रही है। तो हमारी तो यहाँ पे एक ही प्रयास है कि राजस्थान में शांति रहे, और जो लोक कल्याणकारी कार्य हमने किए हैं रहना चाहिए, बिल्कुल ही आप लोगों की तरफ से। रामलाल शर्मा जी, शांति हो प्रदेश में, जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है वही तस्वीर बनी रहे, ये हर किसी की कोशिश होनी चाहिए। मैं चतुर्वेदी जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आज महिला उत्पीड़न के अंदर राजस्थान का नंबर कौन सा है? आज अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार के ऊपर राजस्थान का नंबर कौन सा है? आज हर दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, सरकार उन अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। कहां की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो? आज राजस्थान के FIR दर्ज है, रिकॉर्डेड 456 FIR दर्ज कराई है सरकारी कर्मचारियों ने, जिनके ऊपर हमले हुए। ये तो बिल्कुल क्राइम की लिस्ट अब देखेंगे तो आप लोग भी बहुत सारी चीजें निकाल के लाएंगे, लेकिन ये सब बेहद अहम है कि अभी जिन मुद्दों को लेकर राजस्थान हाईलाइट हो रहा है उसका क्या, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। सुधांशु माथुर जी, एक लास्ट कमेंट चाहेंगे ओवरऑल। देखिए श्रोता, कुल मिला के जैसा अभी आपने कहा कि राजस्थान जो है एक शांत प्रदेश रहा है, और यहाँ पर राजनीति भी शांतिपूर्ण ही रही है। ऐसा नहीं है कि आवेश के अंदर आके, जैसे हम अन्य राज्यों में देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है बेकाबू हो जाते हैं, और तो वो वाली राजनीति कभी नहीं रही है। और हम भी ये चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर मुद्दों की राजनीति हो, ज़्यादा बेहतर है। अगर
कांग्रेस को लगता है कि उसने जनता के हित के अंदर काम किए तो उसको पूरा राइट है कि वो जनता तक अपनी बात पहुंचाए, और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस के मुद्दे जनहित में नहीं है तो वो उसका एक तरीके से विरोध करे, लेकिन जो एक दूसरे पे आरोप लगना है उससे कुल मिला के जो राजनीति है वो हाशिए पे आती है श्वेता। तो मेरा दोनों पार्टी का सभी पार्टियों से कहना है कि आप बेशक डेढ़ साल बाद चुनाव होने, आप अपनी अपनी बात रखिए, लेकिन बात का एक सलीके से रखिए, ना तो मुख्यमंत्री उद्वेलित हो और वो भाजपा पर आरोप लगाए, और ना ही भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एक बहुत ही ऐसा ओहदा है, एक एलिट क्लास का ओहदा है, एक ऐसा पद है जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, अगर उस पर सीधा विपक्ष हमला करेगा तो लाजमी बात है कि फिर सरकार भी हमला करेगी। तो कुल मिला के मेरा सीधा सा एक ही कहना है कि आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति मुद्दों पर राजनीति करिए और विचारों की राजनीति करिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राजस्थान को राजस्थान रहने दिया जाए, ना कि वो दूसरे राज्य बनाया जाए जहां पर हिंसा और इस तरह के बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आम होता है। यही चीजें हैं जो राजस्थान को इन सब दूसरे राज्यों से अलग रखती है। तो क्यों राजस्थान की तस्वीर बदली जाए, वो भी नकारात्मक तौर पर। कोशिश न सिर्फ सरकार की होनी चाहिए, विपक्ष की भी होनी चाहिए। बाकी चुनाव है, मुद्दे बहुत सारे आएंगे, उसमें बहसबाजी आप कर सकते हैं, आप एक दूसरे पर सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन हिंसा या धर्म के नाम पर लोगों को बांटना ये कहीं से सही नहीं है, ये गलत है, और इससे लोगों के मन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। और यही वजह है कि बहुत सारी घटनाओं को लेकर भी अंदेशा लगाया जाता है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होना है, तो ये ना हो यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए, ये कोशिश हर किसी की होनी चाहिए, खासतौर से सरकार और विपक्ष की। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।